हेलो दोस्तों, आइए आज पपाया फेस मास्क बनाते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें पका हुआ पपाया चाहिए और साथ में एक टीस्पून शहद चाहिए। और लीजिए, ये फेस पैक रेडी है। अब आप इसे अपने चेहरे पे लगा लें, 20 मिनट तक इसे लगा हुआ छोड़ दें और फिर इसका चमत्कार देखें। पपाया फेस वॉश बनाने के लिए या पपाया फेस मास्क बनाने के लिए हमें बिल्कुल इस तरह का पका हुआ पपीता चाहिए। अब पपीते का एक छोटा टुकड़ा भी काफ़ी होगा, यानी एक चौथाई भी हम ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कितने हिस्से के लिए फेस वॉश या फेस मास्क बनाना है। तो इस तरह का एक टुकड़ा ले लें और इसके बाद इसे अच्छी तरह से छील लें। पॉल्यूशन, यूवी रेज और रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी स्किन वक्त से पहले ही अधमरी हुई जा रही है। और विडंबना देखें कि इसे क्लीन करने के लिए हम जो फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, इसे नरिश करने के लिए हम जो फेस क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो सभी पैराफिन से भरी पड़ी हैं। ये सारे केमिकल्स हमारे स्किन को बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं। अगर स्किन की प्रॉब्लम का जिक्र करूं तो अलग से एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। मोटा मोटी ये समझें कि क्यों ना हम अपने स्किन को अभी से बचाना शुरू कर दें और पपीता के नेचुरल एंजाइम और क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज से फ़ायदा उठाएं। मास्क अच्छी तरह से चेहरे पर स्प्रेड हो तो इसके लिए एक फाइन पेस्ट का होना ज़रूरी है। मैंने इसे मिक्सी में डालकर बारीक कर लिया है। अब इसमें एक टीस्पून शहद मिला लें। अब अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। इस फेस मास्क को एक बार लगाकर 20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से इसे धो लें। आपको फर्क पहली एप्लीकेशन के बाद ही दिखेगा। और 3-4 बार अगर इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो सारे लोग नोटिस करेंगे कि चेहरे में मार्केबल फर्क है। पपाया स्किन मास्क को देखकर ये ख्याल आता है कि क्या पपाया स्किन मास्क डेली इस्तेमाल करने के लिए सेफ है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चेहरे को नरिश करता है और हाइड्रेट रखता है। पपाया क्लींस जो है वो स्किन के अंदर जाकर सफाई करता है और स्किन को एक बहुत ही नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। ये इफ़ेक्टिवली काम करता है और ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन को दूर करके चेहरे को सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्रेश रखता है। दूसरा सवाल है कि क्या पपाया को हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से चेहरे का रंग निखरता है और एक थिक पेस्ट बनाकर इवेनली अगर चेहरे पर स्प्रेड कर लिया जाए तो, और थोड़े 15 से 20 मिनट तक उसे छोड़ दिया जाए, उसके बाद साफ़ पानी से चेहरा धो लिया जाए, तो चेहरे पर एक ग्लो, एक फ्रेशनेस, एक चमक सी आ जाती है। इसमें एक पपाइन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर से एक्ने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन लोगों के पिंपल्स हैं वो इस पपाया पेस्ट को तो ज़रूर इस्तेमाल करें, और जिनके ओपन पोर्स हैं या ऑयल का सिक्रेशन होता है तो उनके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये ऑयल आने की टेंडेंसी को रोकता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल किसी को आता है तो इस पेस्ट में एक टीस्पून मुल्तानी मिट्टी मिलाकर लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये चेहरे के ऊपर से डेड सेल को हटाता है तो चेहरा खुद बखुद 2-3 कोट ज़्यादा फेयर हो जाता है, ज़्यादा साफ़ और गोरी रंगत निकल आती है। तो ये चेहरे का रंग गोरा करने के लिए भी बरसों से इस्तेमाल किया जाता रहा है और ये बहुत ही सस्ता फल है, लेकिन इसमें कुदरती एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो हमने हनी मिलाया है वो दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और हनी में एक कुदरती मॉइस्चराइज़र होता है। तो दोस्तों, इसके लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। आपको जब भी मौका मिले आप इसे बना लें। अगर ज़्यादा बना लेते हैं तो इसे फ्रिज में रख दें, 3-4 एप्लीकेशन में ये काम आ जाएगा।
और अगर फ्रेश बनाकर लगाते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरह से थोड़ा सा पल्प लें, इसे चेहरे पे, हाथ में, गर्दन में, जहाँ भी आपको लगाना है इसे इस तरह से स्प्रेड कर लें, इवेनली स्प्रेड करें। इसमें बहुत इफ़ेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो आप इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें तो ये डीपली पेनिट्रेट कर जाएगा स्किन में। और 20 मिनट के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो लें और तौलिया से हाथ पोंछ लें या गर्दन पोंछ लें, आप देखेंगे कि एक चमत्कार सा हो गया है। तो इसे लगाना भी आसान है, बनाना भी आसान है, पपीता खाएं भी, लगाएं भी। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है और ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन को दूर करता है, चेहरे पे पड़ी हुई झाइयों को दूर करता है और जो फाइन लाइंस वगैरह आ जाते हैं उनको भी ये डिले करता है, तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता। तो ये बहुत ही बेहतरीन और कारामद हमारा फेस मास्क है। इसे अगर वक्त की कमी है तो फेस वॉश की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे चेहरा धोकर साफ़ किया जा सकता है। इसे डेली इस्तेमाल करें और फिर जो चेहरे पे फ़र्क आए उसे हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।